नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आई की थोड़ी एक अनयूजुअल कंडीशन के बारे में, जिसको कहते हैं टेरिजियम। टेरिजियम एक थोड़ी सी अनयूजुअल कंडीशन है, इसको सरफर्स आई भी कहते हैं, जो कि बहुत लोगों में नहीं होती, लेकिन जिसमें होती है उसके लिए तकलीफ का विषय है। हम आपको बताएंगे इसको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं टेरिजियम होता क्या है। टेरिजियम साथियों वो स्थिति होती है जब आपकी जो आई होती है, आई में एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जो वाइट हिस्सा है इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिसको कि कंजेक्टाइवा कहते हैं। तो टेरिजियम में या कंजेक्टाइवा में ग्रोथ होती है, जो थोड़ी सी बल्ज होती है, बाहर की तरफ होती है, और यह आपके स्क्लेरा जो वाइट हिस्सा है वो स्क्लेरा यानी कंजेक्टिवा क्या हो गई, यह आप जानकारी भी रखिए, क्योंकि आप कभी कभी कंजेक्टिवाइटिस वर्ड यूज़ करते होंगे, कभी कुछ करते होंगे, तो ये होता क्या है आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आई का जो वाइट ट्रांसपेरेंट सी लेयर है, वाइट नहीं, जो ट्रांसपेरेंट लेयर है उसको कंजेक्टिवा कहते हैं। इसके नीचे जो वाइट लेयर है वो स्क्लेरा कहलाती है। तो जब आपके कंजेक्टिवा में ग्रोथ होती है और वहाँ आपके आई बाल के पास से होते हुए कॉर्निया तक जाती है, उस कंडीशन को जो है वह टेरिजियम कहते हैं। यह नॉन कैंसरस होती है, यह कैंसरस नहीं होती है, लेकिन यह वक्त के साथ आपको परेशानी कर सकती है। इसके कॉजेस की बात कर लें साथियों, तो कॉज इसका आज तक अननोन है, लेकिन माना जाता है कि सन और विंड का जो ज़्यादा एक्सपोज होता है, जो व्यक्ति बाहर ज़्यादा निकलता है, वहाँ उसको यह टेरिजियम नाम की दिक्कत होती है। इसको इसीलिए सरफर्स आई भी कहते हैं। इसके सिम्टम्स की साथियों बात कर लें, इसके सिम्टम बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं होते हैं, लेकिन जब तकलीफ होती है तो आपके पेन शुरू हो जाता है थोड़ा, और वक्त के साथ आपके विजन में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हम आपको बताते हैं टेरिजियम को ठीक करने की होम्योपैथी में 10 कारगर दवाएं, लेकिन साथियों दवा बताने से पहले बता दें, यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत दीजिएगा। साथियों बताते हैं आपको टेरिजियम को ठीक करने की होम्योपैथी में 10 कारगर दवाएं। साथियों, टेरिजियम में एक कंडीशन आती बड़ी कॉमन होती है कि आपका जो आउटग्रोथ होने लगती है वह पिंक कलर की होती है। अगर आपके टेरिजियम है और वह पिंक कलर की ग्रोथ है, तो उसका होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपका जो टेरिजियम है उसकी ग्रोथ पिंक हो, तो टेरिजियम में पिंक आउटग्रोथ की सबसे अच्छी दवा अर्जेंटम नाइट्रिकम है। एक स्थिति आती है साथियों टेरिजियम में कभी कभी कि एकोमोडेशन ऑफ विजन नहीं हो पाता। तो अगर आपका एकोमोडेशन ऑफ विजन नहीं हो पा रहा है और आपके टेरिजियम है, तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है आर्टिमीजिया वल्गैरिस। आर्टिमीजिया उस स्थिति में साथियों बहुत कारगर दवा है जब आपको विजन को एडजस्ट करने के लिए आपको रब करना हो तो बार बार। अगर वो कंडीशन आप में आ रही है और आपके टेरिजियम है, तो आर्टिमीजिया इज़ द ड्रग ऑफ द चॉइस। आप आर्टिमीजिया वल्गैरिस का इस्तेमाल करके अपने टेरिजियम को भी ठीक कर सकते हैं, अपनी आई को भी ठीक कर सकते हैं, और स्वस्थ आई की ओर बढ़ सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि आपको आँखों में टेरिजियम है और जलन बहुत हो रही है, आँखें लाल हैं। तो अगर यह स्थिति हो कि आपकी आईज में बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही हो और आपकी आँखें लाल हों, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा आर्सनिक एल्बम है। आप आर्सनिक एल्बम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपकी आंखों में जो जलन की स्थिति है वह ख़त्म हो गई। नॉर्मली आर्सनिक के पेशेंट की तकलीफें रात के 12 से 2 बजे के बीच बढ़ती हैं, उसका गला सूखता है, बार बार उसको पानी की ज़रूरत होती है। और आर्सनिक एल्बम डायबिटीज़ की भी बहुत अच्छी दवा है। अगर किसी को डायबिटीज़ हो और वीडियो देख रहा हो, तो वह भी आर्सनिक एल्बम लेके अपने ब्लड शुगर में भी लाभ पा सकता है। एक स्थिति आती है साथियों कि आपको टेरिजियम है और आपकी आईज बहुत ब्लिंक करने लगी हैं। अगर यह स्थिति आप में हो साथियों कि आपको टेरिजियम हो, आई में ग्रोथ हो रही हो, कॉर्निया की तरफ जा रही हो वह कंजेक्टिवाइटा और स्क्लेरा से, तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में लाइकोपोडियम क्लेवेटम है। लाइकोपोडियम आपकी आई की ब्लिंकिंग को भी ख़त्म कर देगी और आपके टेरिजियम को भी ठीक कर देगी। तो आप लाइकोपोडियम 32 बूंद दिन में 3 बार लेके अपने टेरिजियम को ठीक कर सकते हैं उस सिम्टम में
जब आपकी आईज में ब्लिंकिंग हो। फिर एक स्थिति आती है साथियों, आपके टेरिजियम है आई में और आपकी आंखें बहुत लाल रहती हैं तो और ड्राई रहती हैं। तो अगर यह स्थिति हो कि आपकी आंखों में बहुत लाली हो और बहुत ड्राइनेस हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपकी आँख की लाली भी ख़त्म हो गई, आपकी आँख की ड्राइनेस भी ख़त्म हो गई और आप भी बिल्कुल ठीक हो गए। फिर एक स्थिति आती है साथियों की आपके टेरिजियम और आपकी आंखों में जलन हो रही हो, तो अगर यह कंडीशन अगर आप में है, आपके टेरिजियम है आईज में और आपकी आंखों में जलन हो रही है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है रूटा जी। रूटा 200 पावर में 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं। जब आपके आंखों में लगता है आग के गोले चले गए हैं, उतनी ज़्यादा बर्निंग हो रही हो, तो रूटा जी आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह दवा आपके टेरिजियम को सही कर देगी अगर उसके साथ आई बर्निंग का भी सिम्टम है। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके टेरिजियम है और आंखों में हर समय लगता है कुछ रेत ऐसी पड़ी है, खुजली हो रही है, पानी आ रहा है, तो अगर यह स्थिति हो कि आपको आंखों में रेत ऐसी या कुछ सेंसेशन महसूस होने लगे आउटसाइड पार्टिकल का जो वास्तव में ना हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा यूफ्रेसिया है। यूफ्रेसिया की खास बात होती है, इससे जो आँख का पानी आता है उसमें जलन होती है। अगर यह स्थिति आपके है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा यूफ्रेसिया है। यूफ्रेसिया ऑफिसनेलिस आपके जो आँख का सेंसेशन है टेरिजियम के कारण गड़न चुभन वाला, उसको ख़त्म कर देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपको टेरिजियम हो, साथ में आपको कैटरैक्ट हो रहा हो, यह भी एक कंडीशन है जो बन सकती है और इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। अगर कैटरेक्ट का सिम्टम है तो टेरिजियम ठीक करने की बहुत कारगर दवा है कॉस्टिकम। आप कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका कैटरेक्ट अगर शुरुआत है तो रुक गया और आपका टेरिजियम ठीक होने लगा। कॉस्टिकम के पेशेंट को दूसरे की परेशानियों पर सिंपथी बहुत होती है, इसका मेंटल सिम्टम होता है, तो इसको भी आप दवा लेते वक्त ध्यान में रख सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके टेरिजियम हो और टेरिजियम आपके कॉर्निया की तरफ बढ़ रहा हो। नॉर्मली क्या होता है कि राइट साइड या बढ़ता है, तो अगर यह स्थिति हो कि यह आपके राइट साइड कॉर्निया की तरफ टेरिजियम बढ़ रहा हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है नक्स मोस्काटा। नक्स मॉस आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले लें जब टेरिजियम आपका तेजी से कॉर्निया की तरफ बढ़ रहा हो और आपको तकलीफ देने का एहसास दे रहा हो, तो नक्स मॉस इज द ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर यू। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपको टेरिजियम है और आपके काले काले धब्बे भी आपके आंखों के आगे घूम रहे हैं। अगर यह स्थिति हो आपको कि आपके टेरिजियम हो और साथ में काले काले धब्बे भी आपके घूम रहे हो, तो उन धब्बों को ख़त्म करने की और टेरिजियम को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपके आंखों के धब्बे भी ख़त्म हो गए और आपको यह जो टेरिजियम की शिकायत है यह भी ख़त्म हो गई। फॉस्फोरस वीक विजन की भी बहुत अच्छी दवा है, अगर आपकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं वक्त से पहले तो फॉस्फोरस उसमें निश्चित रूप से आपके बच्चे को लाभ देके आईसाइट भी इनक्रीज कर सकती है। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपकी आंखों में लाली और रूखापन हो और आपको टेरिजियम हो, तो अगर यह कंडीशन आप में हो कि आपको टेरिजियम और आंखों में आपके लाली और रूखापन हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है अमोनियम म्यूरेटिकम। आप अमोनियम म्यूर 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो यह सेंसेशन है आँखों में यह ख़त्म हो गया और आप बेहतर महसूस करने लगे। एक स्थिति साथियों आती है कि आपको टेरिजियम या किसी को टेरिजियम है और उसकी आई बॉल्स प्रोट्रूड कर रही हैं। अगर यह स्थिति आप में होती है कि आपको टेरिजियम है और साथ में आपको आई बॉल्स भी प्रोट्रूड कर रही हैं, तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है आयोडम और लाइकोपोडियम विर। तो यह दो दवा आयोडम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली उस कंडीशन में आप टेरिजियम के ले सकते हैं जब आपको गर्मी बहुत लगती हो, आपका वेट लॉस शुरू हो गया हो, तो आयोडम आपकी दवा है। और साथ में आप लाइकोपोडियम ले सकते हैं उस कंडीशन में टेरिजियम
को ठीक करने के, जब आपके आई बॉल्स प्रोट्रूड कर रही हैं और आपके गैस्ट्रिक ट्रबल्स होते हैं, आपके ब्लोटिंग होती है, लोअर एब्डोमेन में गैस बहुत बनती है और आपको एसिडिटी होती है, यह कंडीशन हो तो लाइकोपोडियम आपका ड्रग ऑफ द चॉइस है टेरिजियम को ठीक करने में। एक स्थिति आती साथियों कि आपको टेरिजियम है और टेरिजियम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, उसको रोका कैसे जाए? तो रोकने की दवा साथियों है जिंकम मिटैलिकम। आप जिंकम मिटैलिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका तेज़ी से बढ़ता हुआ टेरिजियम रुक जाएगा और आपकी आँखें स्वस्थ हो जाएंगी। फिर एक कंडीशन आती है साथियों कि आपको टेरिजियम है और आँखों से कीचड़ बहुत निकल रहा है, अगर यह स्थिति हो आपके तो आपके टेरिजियम को ठीक करने और उस आँखों के कीचड़ को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है रस्टॉक्स। आप रस्टॉक्स वन एम पावर की दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपकी आंखों का कीचड़ भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी आंखों का टेरिजियम भी ख़त्म होने लगेगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपकी आंखों में दर्द बहुत हो पड़ने पर, अगर यह स्थिति हो और आपके टेरिजियम है, आंखों में लाली आ गई हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका जो आँखों में दर्द है पड़ने के कारण वह भी ख़त्म हो जाएगा और आपका टेरिजियम भी ठीक होने लगेगा। एक स्थिति साथियों हो सकती है टेरिजियम में आपको कि आपकी आँखों में भारीपन हो, बार बार आईलिड्स गिरने लगती हों, अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में 2 कारगर बहुत दवाएँ हैं और आपके टेरिजियम भी ठीक होगा। पहली दवा है साथियों जलसीमियम और दूसरी दवा है एपिस। एपिस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स या आईलिड्स गिरने की स्थिति में, उस स्थिति में कारगर है जब आपके टेरिजियम हो, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो रहा हो, आपको प्यास बहुत कम लगती हो, तो आपकी दवा एपिस है। और जलसीमियम उस स्थिति में आपकी दवा है जब आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो, डलनेस डिजीनेस बहुत ज़्यादा हो, उस स्थिति में टेरिजियम और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा जलसीमियम है। इसकी आप दो दो बूंद दिन में 3 बार लेके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ साथियों दवाएँ थी टेरिजियम को ठीक करने की होम्योपैथी में। आँख का मामला है साथियों, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें। हमने आपको जानकारी देने के प्रयास से यह वीडियो बनाया और आपको जानकारी दी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो हमारे आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी लिखकर या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786 पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप करके हमसे सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन रेलिवेंट सवालों का जवाब देने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। आपको साथियों यह वीडियो अच्छा लगा हो, यूनिक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके सबसे पहले हमारा वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका हमेशा हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ खड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, धन्यवाद।